بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام مولانا فما رزقنا جدل حسن والحسین ابی القاسم بسم اللہ الرحمن الرحیم نام دے والی جن مظہر العجائب تجد ہو آن لکا فی النبائب کل حمل و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ ہو یا اللہ ہو رب نبوتك يا محمد يا محمد يا محمد رب ولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني صلاة بسم الله الرحمن الرحيم والذي باسا في الميزين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلاة الجمعة اور بزرگانِ مصحبوں نے کر اور ماتم دارانِ سیرت شہدہ اور حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں عزیزانِ گرامی یہ فرش عطا جو ہے کچھ انسان اس فرش عطا کو مٹانے پر کھلے ہوئے ہیں اور میرے عزیزوں یہ فرش عظام نہیں مٹے گی کیونکہ جب سید سجاد سے ملعون نے کہا کہ سید سجاد یا تو یہی رہ لو یا اپنے وطن چلے جاؤ تو جناب سید سجاد ملعون سے کہتے ہیں کہ ملعون پہلے ہم اپنی پھوپھی اماں سے پوچھتے ہیں ہماری پھوپھی اماں جو کہیں گے ہم اس بات کو تسلیم کریں گے جناب سید سجاد جناب زینب کی خدمت میں آئے اور کہا پھوپھی اماں ملعون کہہ رہا ہے کہ اب تو یہی رہ لو یا اپنے وطن چلے جاؤ تو جناب سید سجاد سے جناب زینب فرماتی ہے کہ میرے لال سید سجاد ملعون سے جا کر کہو کہ وہ ہمارے لئے ایک حجرہ خالی کر لے جس میں ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کریں میرے عزیزو دلیل دے رہا ہوں کہ فرش عظام کیوں نہیں مٹے گی تو جناب سید سجاد ملعون کے پاس آئے اور ملعون سے آ کر کہا کہ ملعون ہماری پھوپھی اماں کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لئے ایک حجرہ خالی کر لے جائے جس میں ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کریں تو میرے عزیزو حجرہ خالی ہوا شہیدوں کا ماتم ہونا شروع ہوا اب عزیزان گرامی جناب زینب کبریٰ نے اس فرش عظیم کی بنیاد ملعون کے گھر سے رکھی ملعون کے گھر سے اس فرش عظیم کی بنیاد رکھی گئی میرے عزیزو اور یہ فرش عظیم نہیں مل سکی
दरमियान में भेजा। अच्छा मेरे अजीजों, यहां पर सवाल ये उठता है कि इस नबी को मुजीब के दरमियान में क्यों भेजा, वजह क्या थी, सवाल क्या था, मामला क्या था, रीजन क्या था। जनाबे हजरत रसूल खुदा को उम्मीदीन के दरमियान में इसलिए भेजा गया ताकि उम्मीदीन को किताब हिकमत की तालीम दे और उनके नफ्सों को पाक कराए। और मेरे अजीजों, ये नबी सबसे अफजल नबी है, सबसे बेहतरीन नबी है और सबसे मासूम नबी है। जब ये नबी बना था तो कुछ न था, न जमीन थी, न सूरज था, न सितारे थे, न आर्श था, न फर्श था, न जिन थे, न इंस थे, न आदम थे, न नूह थे, या कुछ न था। मैं अपने परवरदिगार से कहूंगा, मेरे परवरदिगार मुझे इतना तो बता, जब कुछ न था तो फिर था क्या? परवरदिगार कहेगा, एक बनने वाला था, दूसरा बनाने वाला था। सलावत पढ़िए मोहम्मद अली मोहम्मद। मेरे अजीजों, सिर्फ दो थे, एक बनने वाला था और दूसरा बनाने वाला था। और इस बनने वाले को परवरदिगार आलम ने इतना मासूम और बेहतरीन और अफजल बनाया कि इस नबी के हाथों पर अगर कंकरियां भी आए तो वो भी कलमा गुर होने लगी। मेरे अजीजों, इतना मासूम बनाया। और अजीज आगे गिरामी, जब ये नबी बना था तो इस नबी ने सबसे पहले काम किया। काम क्या किया? काम ये किया कि मैं बनने वाला अफजल हूं या मेरा बनाने वाला अफजल है? हम दोनों में से कौन अफजल है? मैं अफजल हूं या मेरा खालिक अफजल है? हम दोनों में से कौन अफजल है? परवरदिगार आलम की हिस्ट्री पर नजर करना शुरू कर देते हैं। पहले अखलाक को देखा, अखलाक के पीछे हिम्मत को देखा, हिम्मत के पीछे कुव्वत को देखा, कुव्वत के पीछे बर्तरी को देखा, बर्तरी के पीछे ताकत को देखा, ताकत पीछे कुमत को देखा। ये सब देखने के बाद फिर मेरे नबी ने अपनी हिस्ट्री पर नजर करना शुरू की। पहले अखलाक देखा, अखलाक के पीछे हिम्मत को देखा, हिम्मत के पीछे कुमत को देखा, कुमत के पीछे बर्तनी को देखा, बर्तनी के पीछे अखलाक को देखा। ये सब देखने के बाद फिर मेरा नबी सजदे में गया। एक तो दिन के लिए सजदे में नहीं गया, एक तो हफ्तों के लिए सजदे में नहीं गया, एक तो साल के लिए सजदे में नहीं गया, एक तो सदी के लिए सजदे में नहीं गया, एक तो महीनों के लिए सजदे में नहीं गया, बल्कि मेरा नबी 70 साल के लिए सजदे में गया। और जब 70 साल के बाद ये नबी सजदे से उठा तो इस नबी के माथे पर परवरदिगार आलम ने पसीने देखे। मेरे नबी से कहा, ए मेरे नबी परेशान ना हो, ए मेरे नबी घबरा ना, क्योंकि मैं तेरे नूर के कतरों को गवारा ना होने दूंगा। अब आदम इसी से बनेंगे, मूसा इसी से बनेंगे, ईसा इसी से बनेंगे, यहया इसी से बनेंगे, दाऊद इसी से बनेंगे, शीश इसी से बनेंगे, इब्राहिम इसी से बनेंगे, याकूब इसी से बनेंगे, यूसुफ इसी से बनेंगे। यानी कि 1,24,000 नबियों की हिम्मत मेरे नबी के माथे के पसीने से हुई है। और आज ये दुनिया मुकाबला करती है अहले बैत का, या अहले बैत का मुकाबला तो अंबिया बादशाह से नहीं हुआ, क्योंकि अंबिया की नगों में मेरे नबी का पसीना दौड़ता है और अहले बैत की नगों में मेरे नबी का खून दौड़ता है। I'm gonna make it.